सो फाइनली यहाँ पर हमारे जो डिजर्ट है वो हो गया है रेडी और अब हम इसको रखने जा रहे हैं थोड़ी देर फ्रिज में। ओके जी, तभी मैं पढ़ने लगी हूँ नमाज और आप लोग भी नमाज पढ़े और साथ में मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे भी कामयाबी अता फरमाए और आप लोगों को भी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो फाइनली आज हम लोग, जैसे कि आपको पता है कि रात इबादत की थी, सारी रात में इबादत करती रही और मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी और वैसे भी मैं बिज़ी थी तो मोबाइल पकड़ने का टाइम ही नहीं मिला। सो अभी जो है ना, हम किचन में आ गए और यहाँ पर मैं अपना डिज़र्ट रेडी करने लगी और आप भी जो है ना वो पुलाव की तैयारी कर रही हैं। सो चलते हैं फिर, मैं अपना डिज़र्ट रेडी करूँ जल्दी से क्योंकि टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट है। अफ्तारी का मेरा और मामा का रोज़ा है। अभी की तबीयत ठीक नहीं थी थोड़ी सी, तो उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, तो मैंने और मामा ने रोज़ा रखा है। तो हम लोग अफ्तारी की तैयारी करते हैं, फिर आप लोगों को भी साथ साथ दिखाते हैं। मैं बता रही हूँ आज एक डिज़र्ट और ये मैंने क्रीम ली है, इसको व्हिप करेंगे। यहाँ पे आपी ने चिकन निकाला हुआ है, ये पुलाव बनाने की तैयारी हो रही है, ये देखें ज़रा। और ये मैंने अपने लिए ना, ये है कंडेंस मिल्क और ये क्रीम, इन दोनों को मिक्स करेंगे। बाकी मटेरियल अभी आप ही लेकर आ रही हैं, सो जब तक वो आती हैं तो हम क्रीम को जो है इसके अंदर डाल के तो व्हिप करने की तैयारी करते हैं। ये लें जी, आप ही आ गई हैं और ये सारा सामान ले आई हैं, केक है, जेली। और जेली क्यों ले आई? मैंने कहा तो था, मैंने कहा तो था मैंगो जेली पड़ी हुई है, तो मैंने कहा भी था कि एक और ले आता। चलो वैसे एक ही पैकेट ऐड होना था। चलो चलो कोई बात नहीं जी, चलें जी अब हम इसको करते हैं व्हिप करने की तैयारी, करने जल्दी से क्योंकि टाइम भी शॉर्ट ही रह गया। साथ साथ आपकी पुलाव बना रही है और बच्चे जो है ना आज वो पढ़ रहे हैं, उनके आज टीचर आए हैं, आज फर्स्ट डे है तो बड़ी खामोशी हुई है घर में। ये देखें जी, यहाँ पर मैंने ना जो क्रीम थी इसको ना तोड़ा नहीं था, मतलब ये फ्रीज़र में पड़ी हुई थी, इसलिए तो बहुत हार्ड है, तो बहुत मेहनत हो रही है मेरी और मेरी तबीयत भी देख सकते हैं बड़ी ख़राब है आज फिर से। मतलब मुझे फ्लू जो है ना बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा, रात में इबादत सारी करती रही हूँ तो तब भी मेरी बहुत हालत ख़राब थी, इसलिए मैंने रात का व्लॉग भी नहीं बनाया क्योंकि तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं बस अपनी ही इबादत में लगी हुई थी, मुझे मोबाइल वगैरह का छोड़ा व्लॉग वगैरह नहीं बनाते। कितनी मेहनत हो रही है ना इसके ऊपर मेरी, अगर ये अच्छा खाना बना तो ये जिसकी रेसिपी मैंने देखी है ना उसको मैंने जाओगे ना बैंड बजा दूँगी। फिर अभी जो है ना मैंने क्रीम को व्हिप करके तो थोड़ी देर फ्रीजर में रखा है और ये केक वगैरह जो है ना इसको मैं इसको खोलते हैं, इसको तो खोलना भी बड़ा मुश्किल काम है, तो खोलते हैं और जो भी जिसमें भी हमने इसको रेडी करना है मैं करती हूँ प्रिपरेशन साथ साथ। और क्रीम जो है ना वो थोड़ी देर फ्रीजर में रख के आई हूँ ताकि थोड़ी ठीक हो जाए। यहाँ पर आपकी जो सैलड रेडी कर रही हैं साथ साथ और यहाँ पर ना पुलाव जो है इसका पानी अभी बॉयल हो रहा है, बॉयल होगा तो इसमें चावल डालेंगे। फिर ये मुझे यहाँ पे केक जो है मैंने इसके अंदर रख दिया है, ऊपर मैंने डाला स्ट्रॉबेरी एसेंस और अब जो है ना ये इसके अंदर ऐड करेंगे। आजो जी आजो, चले जी मैं इसके अंदर सारे लगा लूँ पहले जितने मुझे ज़रूरत है, फिर आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं, आप भी तो कह रही हैं सारे कर दो, लेकिन मैंने कहा सारे नहीं करती हूँ क्योंकि इतने ज़्यादा क्या करती हूँ। अभी इसके ऊपर क्रीम भी आएगी और डेकोरेशन भी होगी, सो इतने से ठीक है बस। और ये देखिए जी, यहाँ पे पुलाव जो है वो बस रेडी होने वाला है, दम लगने लगा है। पुलाव तो हमारा रेडी है, साथ में सैलड भी जो है बस बन गई है। सो फाइनली यहाँ पर हमारे जो डिज़र्ट है वो हो गया है रेडी और अब हम इसको रखने जा रहे हैं थोड़ी देर फ्रिज में और अफ्तारी के टाइम निकालेंगे और फिर इसको खाएँगे। और साथ यहाँ पर थोड़े से बर्तन पड़े हुए तो मैं बर्तन शर्तन धो लूँगी थोड़े से। यहाँ पर पुलाव जो है बस रेडी हो गया है, सैलड भी रेडी हो गया है, मेरा डिज़र्ट भी रेडी है
बर्तन जो है मैंने वॉश कर लिए हैं सारे, और चलते हैं अब देखते हैं बाहर जाके सब क्या क्या कर रहे हैं, और साथ में फिर ज़रा नमाज भी पढ़ लें, देर हो रही है नमाज के लिए। तो मिलते हैं फिर आपसे हम लोग डाइनिंग टेबल पे अफ्तारी के टाइम, तब तक मैं ज़रा नमाज चाहिए। तो अभी मैं पढ़ने लगी हूँ नमाज, और आप लोग भी नमाज पढ़े और साथ में मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे भी कामयाबी अता फरमाए और आप लोगों को भी, और हमारे सबके रिस्क में इजाफा करें। साथ में मेरी तबीयत जो इतनी ख़राब है, मुझे जल्दी से आराम आ जाए। और फिर पढ़ते हैं हम लोग नमाज, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। आप लोग भी दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नमाज मैंने पढ़ ली है, और आप लोगों के साथ लोगों के घर चावल देने की क्या शबे बरात की रात थी, तो आज हमने ना पुलाव जो बनाया था वो हमने मांडा भी था, तो आपके साथ लोगों के घर देने की जरूरत है। हमें ये फ्रूट चाट और दही भले दिए, सो अभी मैं तो नहीं खा सकती, आप ही को देना देते हैं कि आप वहीं पर खा लें, लेकिन आप ही ने खाए नहीं, वो घर ले आई हैं। तो अब रोज़ा इफ्तारी के टाइम जो है ना मैं खाऊँगी आप ही के साथ ज़रा, और जो है फिर अब चलते हैं किचन में, देखते हैं कि क्या काम रह गया। तो 5:30 हो गए हैं, तो रोज़ा खुलने में थोड़ा ही टाइम है। ओके जी, तो अभी यहाँ पे हमने सब कुछ लगा दिया है, ये डिज़र्ट मैंने बनाया स्पेशल, यानी अब कैसा बना है खा के देखेंगे। पुलाव बनाया है साथ आप ही ने, सैलड है, ये हमारे साथ वाले नेबर्स हैं उन्होंने हमें दिया है, और बस इंतज़ार कर रहे हैं अजान हो जाए रोज़ा खोले, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। ओके जी, तो रोज़ा वगैरह हमने खोल लिया था, और अभी जो है ना चाय पीने लगे हैं अब हम, और जो है कारी साहब भी आने वाले हैं बच्चों के, अभी मैं बैठ के पीने लगी हूँ चाय। सर्दी भी बहुत ज़्यादा लग रही है, सर्दी आज बहुत ज़्यादा हो रही है, और इन्हें देखे ज़रा क्या कर रहे हो बैठे हुए, मियाँ मिठू बातें तो करते नहीं हैं ये। अच्छा जी, तो आज का व्लॉग आप लोगों को उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। अगर ऐसे ही आपने हमारे न्यू व्लॉग्स देखने हैं, तो बेल आइकन के बटन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको हर न्यू व्लॉग का नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी चैनल को आप लोगों ने जाके लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना है। मिलेंगे आप लोगों से हम न्यू व्लॉग के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।